एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया एंड दिस इज माय सेकंड हाफ ऑफ द डे। ये है मेरा लुक फॉर द गंगा आरती। आई एम ऑल सेट। हे गाइस, सो मैं हो चुकी हूँ तैयार फिर से और बज रहे हैं अराउंड 4:45 और हम लोग जा रहे हैं बोट राइडिंग के लिए और सारे घाट भी देखेंगे और गंगा आरती भी देखेंगे बोट से। तो आप लोग बने रहिए, चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गंगा आरती। लेट्स गो। सो गाइज, बन ठन के मैं तो हो चुकी हूँ तैयार गंगा आरती एक्सप्लोर करने के लिए। ये है मेरा लुक जो आप लोगों ने देख लिया और हम लोग चल पड़े हैं हमारे 80 घाट से एकदम नज़दीक में। पैदल ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था। सो वी थॉट ऑफ जस्ट वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द सिटी एंड वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स फॉर द बोटिंग एंड हियर्स मी एंड माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ने भी अपना कुर्ता वुर्ता जो है वो चेंज कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं बोट राइड के लिए और बोट से हमें सारे घाट दिखाए जाएंगे। सो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा वाराणसी, पूरा जो बनारस के घाट है वो आपको इस ब्लॉग में देखने मिलने वाले हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो वॉट आर यू वेटिंग गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ इस वक्त घाट पे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे आपको जो वॉल हैंगिंग्स और फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह और बहुत सारी ऐसी लकड़े की बनी हुई चीज़ें मिलेगी। ये घाट है और ये घाट से बस आगे चलते चलते जाना है। लेकिन कितना खूबसूरत, कितना पीसफुल ये घाट है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी, आई वॉज मेजमराइज्ड बाय द ब्यूटी आउट हियर एंड आई वॉज फीलिंग सो काम एंड सो सूदिंग। इट वॉज सो अमेजिंग व्यू ओवर हियर। बहुत मज़ा आ रहा था। शाम के 5 बज गए थे तो धूप भी थोड़ी सी कम हो चुकी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे वॉक करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, सो एक के बाद सारे घाट आते हैं। और अगर आप बोट राइडिंग करते हैं तो बोट से आपको एक साथ में सारे घाट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़र यहाँ पे बैठे इनके ऊपर अटक गई। ये इतनी सुरीली बांसुरी बजा रहे, जस्ट लिसन टू हिम। तो दोस्तों, मन तो कर रहा था कि मैं बस ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ इस सुरीली बांसुरी को सुनती रहूँ। बाय द वे, ये बांसुरी जो बज रही है उसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने एक टेप भी लगाया हुआ है जिसमें म्यूज़िक बज रहा है, तो ये मैंने बाद में नोटिस किया था। लेकिन हाँ, जो बांसुरी बजा रहे थे वो तो रियल था। काफ़ी देर तक यहाँ बैठने का मन कर रहा था और मन था कि पेंटिंग्स भी लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी बोट की सैर करके आती हूँ और लौटते वक्त यहाँ से जो पेंटिंग्स है वो खरीदती हूँ। तो बस अब मैं ये अपनी बोट की ओर पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो बोट है उसमें मुझे बैठना है और इस तरीके से आपको छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मिलेंगे जो ना कुछ कुछ चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि ये जो दिया है जो आप बाद में गंगा आरती के बाद गंगा जी में लाइट करके आप उसे गंगा जी में आप गंगा जी में उसको बहा सकते हो। और उसके अलावा कुछ कुछ वो चीज़ें देते हैं खाने पीने की, जिससे आप पानी में डालो तो बहुत सारे बर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। सो एनीवेज, वो सब लेकर हम तो बोट में बैठ गए और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तो आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि गंगा घाट से, यहाँ से सारे जो घाट शुरू होते हैं वो सारे घाट मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमने हमारी सफ़र की शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं हम लोग बोट में सेटल्ड हो चुके हैं और अब यहाँ से जो सफ़र है वो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि गंगा आरती तक हमें पूरे जो घाट है वो कंप्लीट करने हैं। करीबन 80 घाट कहा जाता है कि 88 घाट है या 80 घाट है, जितने भी है मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर रही हूँ तो आप लोग वो देख लीजिए।
और ये सारे के सारे जो घाट हैं उनके नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन सारे के सारे जो घाट है वो एक एक करके मुझे यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस घाट है उनको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताते ही जाऊँगी। वेल, इस तरीके से हमने शुरुआत कर दी है हमारे सफ़र की। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है, जो गर्मी हो रही थी दोपहर में अब वो थोड़ी सी सेटल्ड हो चुकी है और अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो एक एक करके सारे घाट आते जाएंगे और आप इस बोट के थ्रू, इस सफ़र के थ्रू सारे घाट को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये इस सफ़र का सबसे बेस्ट पार्ट है। सो यस, मुझे बहुत शुरुआत में ही मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सोच के ही कि बोट से हमें सारे घाट को एक्सप्लोर करना है, और फिर से जो हमने घाट सुबह में विज़िट किए थे वो घाट भी इसमें कवर होंगे। तो या आई वॉज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड इवनिंग तक हमें वापस आ जाना है, क्योंकि इवनिंग में जितना जल्दी हम आएंगे उतना जल्दी हमें मिल जाएगी जगह नज़दीक से गंगा आरती देखने के लिए। तो वाओ, व्हाट अ व्यू, है ना बहुत खूबसूरत। दोस्तों, अगर आप भी बनारस आते हो, काशी आते हो, तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से बोट की राइड ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा। यहाँ की जो शांति है, जो सुकून है, जो यहाँ की खूबसूरती है, ये आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर करके बैठ जाएगी। और आप जब कभी काशी और बनारस या वाराणसी का नाम सुनेंगे तो आपको ये जो बोट की जर्नी है वो आपको ज़रूर याद आएगी। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा पॉकेट पे महंगा जाता है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं, ये जो खूबसूरती है, और उसी के साथ साथ यहाँ की जो रियलिटी चेक है मणिकर्णिका घाट को देखने के बाद में, आपको ये जो आप पैसे पे कर रहे हैं ये वर्थ लगेंगे। और मुझे भी बहुत ही वर्थ लगा ये पूरा ट्रैवल, ये पूरी जर्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाम ढलने आ रही थी और एक एक करके हमारे जो गाइड थे वो हमें घाटों के बारे में जानकारी भी दे रहे थे, और यहाँ की जो आप सिर्फ यहाँ की इमारतें देख लीजिए, सिर्फ यहाँ की खूबसूरती देख लीजिए, ये निहारते निहारते भी अगर आप जाते हैं ना तो आपका दिन वैसे ही सफल हो जाता है। तो मेरा आज का ये जो दिन है वो बहुत खूबसूरत गया है। मुझे बैठे बैठे आप देख सकते हैं कई सारे मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। ये गाय घाट है जहाँ पे अब हम पहुँचे हैं, और यहाँ से हमें बहुत सारे देवी देवताओं के जो है वो दर्शन भी हो रहे हैं, और इसके आगे भी बहुत सारे घाट हैं जिसके हमें दर्शन करने हैं। लेकिन कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बोट की जर्नी के साथ साथ, इस खूबसूरत जर्नी के साथ साथ, आपको बहुत सारे घाट जो है वो देखने मिलते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह घाटों को निहारते निहारते शाम हो चुकी थी, शाम ढल चुकी थी, और हम इस ब्रिज को क्रॉस करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब शाम ढल जाएगी और हमें ढलने से पहले वहाँ आगे पहुँच जाना है ताकि हमें आगे से आरती देखने का मज़ा मिल सके। तो हमने सोचा कि जहाँ है वहीं पे रुक के वहीं का मज़ा लिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी भाग लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है वहीं पे रह के मज़ा लेते हैं। तो हमने भी बस जहाँ थे वहीं पे रुक के वहीं का मज़ा लिया, और जो सीनरी थी, जो व्यू था, उसे इन्जॉय किया, और सोचा कि बस अब इस ब्रिज को क्रॉस करके नहीं जाना है, यहीं से यू टर्न लेंगे और यहीं से हम लौट जाएंगे आगे जहाँ हमें जाना है, जिसके लिए हमने ये बोट राइड आज की जो है वो हमने रखी हुई थी। तो इस ब्रिज के नीचे से हम लोग यू टर्न ले रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी बोटें जो है अब वापस जा रही है, क्योंकि शाम ढल रही है, और शाम ढलने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है घाट पे, ताकि हम गंगा आरती देख सकें, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। क्यों? तो इसीलिए बस हमने भी अपनी बोट को मोड़ दिया और फटाफट से हम लोग भी चलने लगे गंगा आरती की ओर। आप देख सकते हो शाम ढल चुकी है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे नज़ारा दिखने मिलता है। शाम को जब सूरज ढल जाता है तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो और भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हो लाइटें जल चुकी है, और इन लाइट्स के अंदर भी अंधेरा जब जो हो रहा है तभी भी यहाँ की जो खूबसूरती है वो कम नहीं हो रही है, वो बरकरार है। तो बस हम वापस से मणिकर्णिका घाट को क्रॉस कर रहे हैं।
और पहुंच रहे हैं घाट की ओर, जहां हमें जाके गंगा आरती जो है वो लेनी है। तो आप लोग भी ये इंजॉय कीजिए, हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ, हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी देर हो चुकी है और इसीलिए हमारी जो बोट है वो काफ़ी पीछे रह गई है बाकी बोटों से। तो हमें अब लंबे से गंगा आरती को एंजॉय करना होगा। गंगा आरती शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हो कि बहुत ही एकदम डिवाइन यहाँ का एटमोसफियर है इस वक्त। तो मैं आप लोगों को जो आगे का साउंड है वो आप लोगों को नेचुरल छोड़ रही हूँ। यू कैन एंजॉय दिस गंगा आरती। तो दोस्तों, करीबन 45 मिनट्स की ये गंगा आरती अटेंड करने के बाद में हमारा मन तो एकदम तृप्त हो चुका था और अब टाइम था इन दियों को गंगा में बहाने का, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हमने भी जो दिए साथ में लाए थे वो दिए हमने लाइट किए और गंगा जी में बहा दिए हमारी प्रेयर्स के साथ में। और ये करते हुए बहुत बहुत सुकून महसूस होता है। अगर आप भी यहाँ जाते हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा जो आज का ये व्लॉग है वो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, लव यू, हर हर महादेव।